हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा एंड जैसा कि हम हर बार बोलते हैं, वेलकम यू टू परचम क्लासेस। हम एशिया का मैप पूरा लर्न कर चुके थे, दैट इज सारी कंट्री की प्लेसिंग हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो। आज हम एशिया के बारे में पढ़ेंगे, नॉट अबाउट कंट्रीज नहीं लर्न करेंगे मैप के ऊपर, इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट बातें और हैं इस कॉन्टिनेंट से डील करती हुई, वो हम इस वीडियो में लेंगे। और एक और वीडियो आएगा एशिया के ऊपर, जिसमें हम एग्जाम रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है? फिर एशिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो आज हम थोड़ा बहुत पॉलिटिकल देखते हुए, कुछ मेन पॉइंट्स देखते हुए, फिर फिजिकल फीचर्स पे आएंगे डिटेल में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास। चलिए, सो पहले कुछ फीचर्स देख लेते हैं, की हाइलाइट्स देख लेते हैं। एशिया सबसे लार्जेस्ट और सबसे पॉपुलस कॉन्टिनेंट है, पूरे सातों कॉन्टिनेंट्स में से, यानी सात महाद्वीप में से सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलस है, ठीक है? देन टोटल 48 कंट्रीज है। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, महाद्वीप मैंने सही बोला ना, मैं इसलिए अटक गई। चलिए ठीक है, सो टोटल मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था कितनी कंट्रीज हैं, आप मुझे बताएंगे, ठीक है? द राइट आंसर इज 48। अब इस पर डिबेट हो सकती है। ये जो 48 नंबर है, यूएन के आधार पे है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग एशिया में 48 कंट्रीज हैं। अब इसमें दो कंट्रीज इंक्लूडेड नहीं है, एक है पैलेस्टीन और दूसरा है ताइवान। ओके, पैलेस्टीन इसलिए क्योंकि नॉन मेंबर स्टेट की तरह ट्रीट किया जाता है यूएन के, बहुत सारी कंट्रीज उसको मानती हैं एक पर्टिकुलर कंट्री, लेकिन बहुत सारे बाकी नेशंस उसको कंट्री नहीं मानते हैं कि उसका एक कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है एंड इट इज़ नॉट अ कंट्री, राइट? ताइवान के केस में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरह ट्रीट होता है एंड इट इज़ नॉट अ सॉवरन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, ये चाइना का ही एक रीजन है या सब टेरिटरी है, सो इट इज़ अनरिकग्नाइज्ड बाय यूएन, ठीक है? सो इन दोनों को हटाते हुए 48 कंट्रीज हम लेते हैं। कई जगह पे आपको 49 मिलेगा क्योंकि उसमें पैलेस्टीन इंक्लूड किया जाता है, ठीक है? कई जगह पे ताइवान इंक्लूड किया जाता है। सो नोबडी इज गोना आस्क यू, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कितने कंट्रीज हैं एशिया में, पर आप अपनी नॉलेज के लिए देखिए 48 प्लस टू कंट्रीज, ध्यान रखिए, ओके? अब दो रीजन और आते हैं जो हमने जब कंट्रीज किए थे ना तब नहीं देखा था, बिकॉज वो कंट्री नहीं है। एक आएगा आपका हांगकांग और एक आएगा मकाओ, ठीक है? ये दोनों चाइनीज टेरिटरी के रीजन है, चाइना के ईस्ट में पड़ते हैं। जब अभी कहीं मैप आएगा तो आई लेट यू नो, फाइन? सो हांगकांग मकाओ कंट्री नहीं है। जब मैंने आपको कंट्री कैपिटल वाली स्लाइड करवाई थी बहुत पहले, अगर आप में से बहुतों ने नहीं देखा हो तो वर्ल्ड जीके की प्लेलिस्ट में है, सारी वर्ल्ड की कंट्री कैपिटल्स हमने निमोनिक टेक्निक से याद करवा रखी हैं। वहाँ पर मैंने हांगकांग लिया है, ताइवान भी लिया है, पैलेस्टीन भी लिया है, बिकॉज हमने वहाँ क्योंकि सारे कंट्रीज मेंशन करने थे, ऑल्दो इनको कंट्री स्टेटस नहीं है, फिर भी हमने इनकी कैपिटल लिख दी है, बिकॉज कैपिटल दिखती है। अगर आप ताइवान की कैपिटल ढूंढोगे, अगर आप पैलेस्टीन की कैपिटल ढूंढोगे तो मिलेगी, राइट? सो वी मेंशन इट देयर, बट यहाँ दे आर नॉट ट्रीटेड एज कंट्रीज। चलो, सो एशिया इज होम टू नियरली 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में जितनी भी जनता है 60% अकेले एशिया में रहती है। एरिया अगर हम देख लें स्क्वायर किलोमीटर्स में, सो 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, ओके? और पूरे लैंड एरिया, अगर हम लैंड एरिया पानी हटा दें, लैंड एरिया का लगभग 1/3 सिर्फ एशिया कवर करता है। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, जमीन और पानी दोनों मिला लें, तो 8.7% एशिया कवर करता है, ठीक है? मैं थोड़ा सा जल्दी हो रही हूँ बिकॉज पावर कट्स बहुत हो रहे हैं हमारे एरिया में, और पावर कट हो जाएगी तो प्रोजेक्टर काम बिल्कुल नहीं करेगा नो मैटर वॉट, और मेरा वीडियो अधूरा रह जाएगा। इसी वजह से बहुत इंटरमिटेंट वीडियोज आ पा रहे हैं, दैट इज वाई थोड़ा सा फास्ट हूँ मैं, ओके? बिकॉज थोड़ा टाइम बचा है लाइट जाने में। चलिए, सो पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें कि एक वर्ग किलोमीटर में, यानी स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग औसत यानी एवरेज रहते हैं, सो इट इज 100 पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट? सो दिस इज ब्रीफिंग ऑफ एशिया। अब ये बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि ये जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा होगा, ये एशिया है, तीन तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। ऊपर आर्कटिक ओशन आएगा, राइट साइड में पैसिफिक ओशन आएगा। नॉर्थ पैसिफिक ओशन क्यों लिखा है? बिकॉज ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है पूरा एशिया, ठीक है? थोड़ा सा इंडोनेशिया का पार्ट इक्वेटर के नीचे जाता है, बाकी पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और नीचे इंडियन ओशन, तो तीन तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। अब पूरे वर्ल्ड पे एशिया की लोकेशन देख लेते हैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स के टर्म्स में, यानी देशांतर और अक्षांश के टर्म्स में। सो ये देखो, ये पूरा मैप है और इसमें जितना भी आपको ये रेड मरून ब्राउन जो भी कलर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिस इज एशिया। ऑलराइट, एक्सटेंड्स फ्रॉम
10 डिग्री साउथ, ठीक है, ये इक्वेटर जा रहा है, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही होगी दिस इज इक्वेटर. सो 10 डिग्री साउथ से लेकर के 80 डिग्री नॉर्थ तक मेनलैंड जो है, यानी जमीन, मुख्य जमीन का जो इलाका है मेनलैंड है, वो एक्सटेंड करता है. और अगर हम लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें, सो 25 डिग्री ईस्ट से 170 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड तक, यानी सो एशिया एक्सटेंड्स फ्रॉम, यहाँ से ये प्राइम मेरिडियन जा रहा है 0 डिग्री, ये प्राइम मेरिडियन है, और ये 25 डिग्री ईस्ट से लेकर के 170 डिग्री वेस्ट तक एक्सटेंड करता है. ऑल राइट, अब एशिया में डेट चेंज होती है नहीं होती है, एशिया इंटरनेशनल डेटलाइन को क्रॉस करता है या नहीं करता है, ये जब मैं इंटरनेशनल डेटलाइन लूंगी तब बताऊंगी. तब तक होमवर्क तो मिलना चाहिए कुछ ना कुछ, राइट. सो ये होमवर्क है आपका. चलिए, सो ये सारी कंट्री सेम मैप हमने लास्ट वीडियो में देखा था. अच्छा, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड क्लियर हो गया ना, मैं थोड़ा ज्यादा ही फास्ट हो रही हूँ. 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री ईस्ट से 170 डिग्री वेस्ट. नाउ ये सारे कंट्रीज हमने पढ़ लिए थे, अलग अलग रीजन्स पढ़े थे. ये जितना पर्पल है ये हमने नॉर्थ एशिया देखा था, ये ईस्ट एशिया देखा था, ये साउथ एशिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जिसमें हमारा मैप अधूरा है, मैंने बताया था, राइट. ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ये सेंट्रल एशिया हो गया, और ये साउथ वेस्ट एशिया हो गया जिसमें टर्की भी इंक्लूडेड है, ठीक है. ये भी हम देख चुके थे, टोटल 48 कंट्रीज. अच्छा, जो मैं आपको बता रही थी, हांगकांग एंड मकाओ, दे लाई समवेयर हियर ऑन द ईस्टर्न बाउंड्री. हांगकांग मकाओ यहीं आते हैं, चाइना की ही टेरिटरी में पड़ते हैं. देन अब देखो बाउंड्रीज देख लेते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट की अलग अलग कॉन्टिनेंट से कैसे बनती हैं. एशिया की अफ्रीका से बाउंड्री कहाँ बन रही है, एशिया की यूरोप से कहाँ बन रही है, एशिया की अमेरिका से कहाँ बन रही है. सो एशिया और अफ्रीका की बाउंड्री, ये भी मैंने होमवर्क दिया था कि एक पार्ट है अफ्रीका का जो एशिया के अंदर आता है, उसका नाम बताइए. और आप सबने बहुत सही आंसर दिया, सिनाय पेनिनसुला. सो देखो ये एशिया है, यहाँ देखो पहले, दिस पार्ट इज एशिया एंड नहीं, एशिया इधर नहीं दिखेगा. यहाँ देख लीजिए, ये जॉर्डन वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये गाजा स्ट्रिप दिख रही है, ठीक है. ये पूरा एशिया आ गया, ये पूरा अफ्रीका आ गया, ये रेड मार्क यहाँ देखो, दिस इज अफ्रीका. अफ्रीका में ये जो पोर्शन है भाई, हाँ ये हमारा एशिया है ना, दिस इज एशिया, दिस इज अफ्रीका, ठीक है. अब अफ्रीका में दिस इज छोटा सा इधर एक पार्ट है जो कि एशिया के अंदर आता है, यहाँ यहाँ तक, ठीक है. इसी को बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है, ये आ गया एशिया, ये जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है ये इजिप्ट है ना, अफ्रीका. और ये जो पार्ट यहाँ, ये स्विस केनाल आता है, ये बाउंड्री आती है एशिया की अफ्रीका के साथ. सो ये है तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक्सटेंशन, लेकिन ये आता किस में है, आता किस में है, ये आ जाता है एशिया के अंदर, ठीक है. इसलिए हम अफ्रीका को ट्रांसकॉन्टिनेंटल, इजिप्ट को ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री बोलते हैं, बिकॉज ये इजिप्ट की ही टेरिटरी में पड़ता है अदरवाइज, ठीक है. सो अब देख लेते हैं, बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका इज रेड सी, गल्फ ऑफ स्विस एंड स्विस केनाल. देखो यहां से देखना स्टार्ट करो, सो दिस बेसिकली इज रेड सी, एशिया और अफ्रीका के बीच में ये जो वाटर बॉडी आती है इसको बोलते हैं रेड सी. अब इसी को बड़ा करके यहां देखो, ये वाला रेड सी आ गया और ये ट्राइंगल आ गया, ठीक है. सो ये ट्राइंगल के नीचे ये रेड सी आ गई, ठीक. अब ये ट्राइंगल के एक लेफ्ट में वाटर बॉडी है, एक राइट में वाटर बॉडी है. ये देखो ये लेफ्ट वाटर बॉडी, ये राइट वाटर बॉडी. तो ये जो लेफ्ट वाटर बॉडी है गल्फ ऑफ स्विस बोलते हैं इसको, दिस इज ऑल गल्फ ऑफ स्विस. सो रेड सी, गल्फ ऑफ स्विस, और ये आ जाता है स्विस केनाल. यहां दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत पतला सा वाटर केनाल है दोनों कंट्रीज को ज्वाइन करता हुआ. सो ये तीनों वाटर बॉडी मिलकर के बाउंड्री बनाती है एशिया और अफ्रीका की, ठीक है. रेड सी, गल्फ ऑफ स्विस एंड स्विस केनाल, लोकेशन समझ में आ गई. और ये कौन सा पार्ट है इजिप्ट का जो एशिया के अंदर आता है, दिस इज सिनाय पेनिनसुला, राइट. कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक. सो इजिप्ट इज अ ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री, सिनाय पेनिनसुला एशिया में आता है, बाकी सारा का सारा जो इजिप्ट का पार्ट है वो अफ्रीका में चला जाएगा, गुड. सो एशिया और अफ्रीका की बाउंड्री कौन बनाता है, रेड सी, गल्फ ऑफ स्विस एंड स्विस केनाल, शाबाश. नेक्स्ट आ जाते हैं एशिया और यूरोप की बाउंड्री, ठीक है. वैसे तो हमने पिछले मैप में भी बात की थी पर अब ढंग से देखते हैं. देखो एशिया और यूरोप ना दोनों एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे हैं,
यूरेशिया बोलते हैं, इसको आगे अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन एशिया अलग कॉन्टिनेंट ट्रीट किया जाता है, यूरोप अलग कॉन्टिनेंट ट्रीट किया जाता है, इनकी बाउंड्री कौन बनाता है? तो देखो ये जो आपको रेड लाइन दिख रही होगी, दिस इज यूराल माउंटेन। कौन सी माउंटेन है ये? यहाँ देखो लिखा हुआ है यूराल माउंटेन, यही लिख देते हैं। सो एक पार्ट आया यूराल माउंटेन, ये रहा, ठीक है, यूराल माउंटेन। ठीक है, सेकेंडली ये वाटर बॉडी दिख रही है, दिस इज कॉल्ड कैस्पियन सी। यहाँ पे देखो ये यूराल माउंटेन और ये वाटर बॉडी जो आपको दिख रही है, दिस इज कैस्पियन सी। सो दूसरी एक फिजिकल फीचर जो कि एशिया और यूरोप को डिफ्रेंशिएट करता है, कैस्पियन सी हो गई। सो यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी, फिर यहाँ पे ये माउंटेन एरिया देखो, ये है कॉकेसस, कॉकेसस माउंटेन, कॉकेसस। ठीक है, यूराल तो याद रहेगा ही, बहुत प्रोमिनेंट फीचर है, ये सी सी हो गया कैस्पियन कॉकेसस, कैस्पियन कॉकेसस। और उसके पास में ये एक और वाटर बॉडी देखो, दिस इज ब्लैक सी। व्हाट इज इट? ब्लैक सी, राइट। इसी के नीचे टर्की था, मैप में याद करवाया था, नदी के किनारे किनारे ट्रक लेके जा रहे हैं या ब्लैक ट्रक में जा रहे हो, ऐसे भी याद रख सकते हो। सो ये ब्लैक सी हो गया, नीचे टर्की वाला हिस्सा आ जाएगा। सो यूराल माउंटेन्स, देन कैस्पियन सी, कॉकेसस माउंटेन्स और ब्लैक सी, यूसीसीबी है ना, यूसीबी, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन ब्रांड है। सो ये है यूसीसीबी। सो ये क्या करता है कि एशिया को यूरोप से अलग करता है या बाउंड्री बनाती है ये चारों फिजिकल फीचर्स। ठीक है, सो ये हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, जो मैं आपको बता रही थी यूरेशिया का कॉन्सेप्ट। कई जगह आप पढ़ोगे यूरेशिया, व्हाट इज यूरेशिया? यूरेशिया बेसिकली एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट्स को मिला के एक टर्म दी जाती है, और यूरेशिया को एक सुपर कॉन्टिनेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, दोनों सिंगल टेक्टोनिक प्लेट पे लाए करते हैं। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स का कॉन्सेप्ट हम बहुत सारे वीडियोस में देखते आ रहे हैं, होती क्या है, नहीं तो अलग से अभी हमने लिया नहीं है, कभी एक वीडियो पक्का लेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर। ठीक है, अफ्रीका एक अलग टेक्टोनिक प्लेट है, यूरेशिया एक अलग टेक्टोनिक प्लेट है। टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में भिड़ती हैं तो माउंटेन्स बनते हैं, रिजेस बनते हैं, ऑल दैट, फाइन। सो यूरोप और एशिया दो कॉन्टिनेंट है लेकिन सिंगल टेक्टोनिक प्लेट पे है, ऑल राइट। एंड दोनों साथ मिलकर कौन सा लैंडमास फॉर्म करते हैं? यूरेशिया, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट भी कई जगह कहा जाता है। और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में आपको मिलेंगी? जब आप यूरोप के कंट्रीज पढ़ोगे या जब आप एशिया के कंट्रीज पढ़ोगे, दोनों ही जगह ये कंट्रीज मिलेंगी। ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो शेयर होती हैं? सबसे पहले रशिया, रशिया का काफ़ी बड़ा हिस्सा एशिया में आता है, एक मेजर चंक यूरोप में भी जाता है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अब प्लेसिंग आपको ध्यान करनी पड़ेगी, हम सारी कंट्रीज कर चुके हैं। कजाकिस्तान हमने किया था ना, ताज़ा किरकिर कागज पे, याद है? ठीक है, तो कजाकिस्तान एक मेजर एरिया था, लेट मी ट्राई एंड सी इफ वी कैन सी इट समवेयर। ये देखो, ये रहा कजाकिस्तान पूरा, राइट। सो इस कजाकिस्तान का थोड़ा हिस्सा यूरोप में जाता है। नेक्स्ट कौन सी कंट्री? रशिया हमने देख लिया, कजाकिस्तान हमने देख लिया, फिर देखो ये जो कॉकेसस माउंटेन्स पड़ती है ना, कौन कौन सी कंट्री शेयर होंगी जहां पे माउंटेन एरिया आ रहा है? जैसे यहां पे हमने देखा था कि यूराल माउंटेन्स आ जाते हैं, तो यूराल रशिया को थोड़ा सा इधर भेज देते हैं, उसकी वजह से थोड़ा कजाकिस्तान डिवाइड हो जाता है। यहां पे जो कॉकेसस माउंटेन्स आ रही हैं, उसकी वजह से जॉर्जिया अजरबैजान थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है, और ये जो टर्की है, टर्की का ये थोड़ा सा हिस्सा ना इधर, ये भी यूरोप में जाता है। सो कौन सी पांच कंट्रीज हैं जो कि शेयरिंग करती हैं एक तरह से दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में? सो दोज कंट्रीज आर रशिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान और टर्की। रटने की जरूरत नहीं है, मैप याद कर लिया है तो याद हो जाएगा, यूराल माउंटेन्स और कॉकेसस माउंटेन्स के आसपास वाली कंट्रीज हो जाएंगी, और एक टर्की हो जाएगी। ठीक है, सो दे स्ट्रैडल बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स, यानी दोनों कॉन्टिनेंट्स में शेयर होती हैं या घूमती रहती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एशिया और ओशिनिया की बाउंड्री कहाँ पड़ती है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन जो पूरा कॉन्टिनेंट है इंक्लूडिंग द वाटर्स एंड छोटे छोटे आइलैंड, उसको ओशिनिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास जितने भी आइलैंड्स हैं, दे ऑल कंबाइन टू फॉर्म ओशिनिया। ठीक है, तो उनकी बाउंड्री कहाँ पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड पार्ट ऑफ ओशिनिया बनाते हैं। एशिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स पे लाए करते हैं। देन बॉर्डर कहाँ पड़ता है ये देख लो, ये सारे इंडोनेशिया,
इंडोनेशियन आइलैंड्स हमने देखा था, इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड आर्किपेलेगो है, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है पूरी दुनिया में, राइट। और वो कहाँ पड़ता है, एशिया में पड़ता है। हमने देखा था ये ईस्ट तिमोर भी पड़ता है, राइट। ये हमने मलेशिया पढ़ा था, इसमें ये ब्रूने पढ़ा था, ये सब पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। जिसने नहीं देखा हो डोंट वरी, फटाफट से वो वीडियो देख लीजिएगा। अब ये जो आपको रेड बाउंड्री दिख रही है, इसके लेफ्ट साइड तक, ये न्यू गिनी गलत जगह लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड तक तो एशिया है, ठीक है। और ये जो ईस्ट साइड आ जाएगा, जो राइट साइड आ जाएगा, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, यहाँ से ओशिनिया टेरिटरी स्टार्ट हो जाएगी लैंडमास की अगर हम बात करें। ये पूरा नीचे ऑस्ट्रेलिया आ रहा है और ये इस लैंडमास का इधर वेस्टर्न हाफ एशिया है और ईस्टर्न हाफ ओशिनिया हो जाता है, ठीक है। मॉल्युकास आइलैंड्स इन इंडोनेशिया आर ऑफन कंसिडर्ड टू बी द बॉर्डर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये मॉल्युकास पढ़ते हैं यहाँ पे, राइट। ये हमारी एक तरह से साउथ ईस्टर्न बाउंड्री बन जाते हैं, विथ न्यू गिनी टू ऑफ द ईस्ट आइलैंड्स बीइंग इन ओशिनिया। न्यू गिनी या पापुआ न्यू गिनी, ये जो पार्ट है ये पूरा ओशिनिया में आता है। तो कहाँ पे बाउंड्री बन रही है, मॉल्युकास के बाद में जो न्यू गिनी या पापुआ न्यू गिनी आता है वो ओशिनिया में है, बाकी ईस्ट साइड का पार्ट सारा या नॉर्थ ईस्ट का सारा पार्ट एशिया में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अमेरिका से बाउंड्री देख लेते हैं फटाफट। सो ये रशिया का पार्ट है, ऊपर आर्कटिक सर्कल वाला रीजन, ये देखो यहाँ भी क्या ही दिखेगा। सो ये पूरा एशिया चल रहा है, ये देखो रशिया से समझो, है ना। ये ऊपर ये बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट और बेरिंग सी पढ़ चुके हैं, बेरिंग सी पैसिफिक ओशन, ओके, और ये ऊपर आर्कटिक ओशन, हाँ ओशन लिख देती हूँ फिर बाद में बोलोगे मैम आर्कटिक कहाँ पहुँचा दिया। चलो सो ये पैसिफिक ओशन या आर्कटिक ओशन इन दोनों को कनेक्ट क्या करता है, बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट करता है। बेरिंग स्ट्रेट के एक तरफ रशिया है, एक तरफ यूएस आ जाता है, ठीक है। और इन सी इन दोनों के बीच में, ये यूएसए है, ये रशिया है, इन दोनों के बीच में ये दो आइलैंड्स देखो, ठीक है, ये दो आइलैंड्स हैं, ये है डायोमीड आइलैंड, डायोमीड, डी आई ओ एम ई डी ई, डायमिडे या डायमीड आइलैंड, एक बड़ा है एक छोटा है। सो बिग डायमीड आइलैंड आता है रशिया में या एशिया में, और जो स्मॉल या लिटिल बोलते हैं, स्मॉल नहीं बोलते, लिटिल डायमीड आइलैंड है वो अमेरिका का पार्ट आ जाता है, ठीक है, यूएस में आ जाता है। सो इन दोनों के बीच में ये डिवीजन, और ये इंटरनेशनल डेट लाइन जा रही है जो आपको दिख रही है, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे सीधी नहीं है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, राइट। सो इन दोनों की बाउंड्री कहाँ बनती है, एशिया और अमेरिकाज की, डायमीड आइलैंड में बनती है। बिग डायमीड आइलैंड एशिया में आता है, लिटिल डायमीड आइलैंड यूएसए में आता है, और बेरिंग स्ट्रेट है जहाँ पे ये डिवीजन मार्क किया जाता है, ठीक है। सो बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट में डायमीड आइलैंड एशिया और अमेरिकाज की बाउंड्री बनाते हैं, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, ऑल राइट। अब आ जाते हैं फटाफट, कौन कौन से पॉलिटिकल रीजन हैं हम पढ़ चुके हैं, नॉर्थ एशिया जिसमें रशिया वगैरह आ रहे थे, सेंट्रल एशिया हमने देखा था जिसमें सारे स्तान वाले कंट्रीज आ रहे थे, ठीक है, कर चुके हम पहले, वेस्टर्न एशिया जिसमें सारे ईस्ट, मिडिल ईस्ट जिसको हम बोलते हैं, राइट, मिडिल ईस्ट या नियर ईस्ट भी कहा जाता है, जिसमें सऊदी अरेबिया, यमन, ओमन, ये सब हमने पढ़ा था। फिर साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज आ गए। ईस्ट एशिया, चाइना, कोरिया, जापान वाला हिस्सा आ गया, जिसको फार ईस्ट भी बोलते हैं। देखो ये पास्ट वाला ईस्ट है तो नियर ईस्ट, कौन सा, सेंट्रल एशिया, और ईस्ट एशिया दूर है ना तो फार ईस्ट बोलते हैं, चाइना, कोरिया, जापान वाला। फिर मंगोलिया भी आ गया उसमें। फिर नॉर्थ ईस्ट एशिया, सॉरी साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में वो सारे आइलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया वगैरह सब आ जाएंगे, इसको ईस्ट इंडीज या इंडो चाइना भी बोलते हैं, ईस्ट इंडीज और इंडो चाइना, ठीक है। पांच रीजन्स पॉलिटिकल हो गए, ये रहे, पढ़ चुके हैं हम, वापस अभी नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, सेंट्रल, साउथ वेस्ट या वेस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, सबके कंट्रीज जैसे जैसे हमने पढ़े थे ना, जब हमने कंट्रीज याद की थी, एज इट इज लिखे हुए हैं, 48 कंट्रीज आर देयर एक्सक्लूडिंग पैलेस्टीन एंड ताइवान। चलो अब फटाफट से सी देख लेते हैं, एशिया के आसपास कौन कौन से सी हैं। सो ये देखो, ये चाइना वाला हिस्सा आ रहा है ना, सो हम चल रहे हैं फार ईस्ट के भी फर्दर ईस्ट, हाँ। सो ये चाइना आ गया, यहाँ पे ये आपको जापान दिख रहा है, राइट, ये नॉर्थ एंड साउथ कोरिया आ गए, रिलेट कर लिया। अब देखो कौन कौन सी सी है, ये फिलीपींस आ गया यहाँ पे, सो फिलीपींस के पास में ये आ गई फिलीपींस सी,
नाम से ही रिलेट हो जाएगा, बस लोकेशन देखते चलो। फिलीपीन सी आ गई, उसके बाद देखो फिलीपीन सी के इधर ही ये मारियाना ट्रेंच है। मारियाना ट्रेंच ओशंस में पड़ा था, पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा डेप्थ वाला एरिया पैसिफिक ओशन का मारियाना ट्रेंच है। सो दिस इज मारियाना ट्रेंच फिलीपीन सी के ईस्ट में। फिर इधर देखो ये पूरा चाइना है, राइट। सो चाइना में एक तो इधर नीचे आ जाएगी साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, यहां पे आ जाएगी ईस्ट चाइना सी, ठीक है। दिस इज ईस्ट और ये नीचे साउथ चाइना सी, फिलीपींस के वेस्ट में साउथ चाइना सी, ऊपर ईस्ट चाइना सी। अब यहां है एक येलो सी, चाइना और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बीच वाला जो ये हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ना ये कहलाता है येलो सी। यहां येलो रिवर भी बहती है, वो अभी हम पढ़ लेंगे। दिस इज येलो रिवर, दिखनी इस पे दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, ठीक है। सो अभी यहां छोड़ दो, अभी इतना देखो ये दिख रही होगी हल्की बहुत तो, ठीक है। सो दिस इज येलो सी, देन ये जापान आ गया, जापान के पास में सी ऑफ जापान, क्या कहलाती है ये सी ऑफ जापान। अलग से कुछ याद नहीं करना है क्योंकि जो जो कंट्रीज आ रहे हैं उनके आसपास की सी उन्हीं के नाम से है। एक ये देख लीजिए ओखाक्स, सी ऑफ ओखाक्स यहाँ दिख जाएगा आपको, ठीक है, ओ के एच ए टी एस के। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है दिस पार्ट, दिस इज सी ऑफ ओखाक्स, राइट। सो सी ऑफ जापान के ऊपर वाला हिस्सा पड़ गया। यहाँ पे ये आपकी बेरिंग सी आ गई, बेरिंग स्ट्रेट आ गया, ये पूरा पैसिफिक एरिया आ गया। ये बे ऑफ बंगाल, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिया वाला पार्ट आ जाएगा, ये म्यांमार, लाओस, वियतनाम ये सब चल रहे हैं। सो दिस इज बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सो ईस्ट साइड की मेजर मेजर जितनी भी सीज थी हमने एक बार पॉइंट आउट कर ली है, फिलीपीन सी, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, उसके ऊपर येलो सी आ गई, ठीक है, फिर सी ऑफ जापान आ गई एंड सी ऑफ ओखात्स आ गई, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, राइट। प्लेसिंग देख ली, कोई अलग से नहीं पूछेगा, बस जब आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे वर्ल्ड मैप के ऊपर या एशिया के बारे में कुछ पढ़ोगे तो ये सारी सी की लोकेशन आपको हेल्प करेंगी चीज़ें समझने में। चलो अब हम आ जाते हैं वेस्ट पार्ट पे, और यहाँ पे जितनी भी सी है इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। ये आ रहा है इंडिया, ये सेंट्रल एशिया आ गया, ये साउथ वेस्ट एशिया आ गया, सारी मिडिल ईस्ट वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये अरेबियन सी आपको दिख रहा होगा, ये हमें पता ही है अरेबियन सी। अब देखो अरेबियन सी, ये रेड सी हमने पढ़ी थी, ये अफ्रीका है, ऑलराइट, ये एशिया का पार्ट है, ये आ गई बीच में रेड सी, हमने देखा ही था, ठीक है। ये आ गया सिनाई पेनिनसुला, है ना, फिर हमने देखा था गल्फ ऑफ स्विस और ये गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, अभी नहीं आ रहा तो बाद में भी देखेंगे, ए क्यू ए बी ए, अकाबा। अब आपको जो देखना है वो एक तो ये देखो गल्फ ऑफ एडन, येमेन, ओमन, एडन, गल्फ ऑफ एडन, है ना, ये मोजे की, ये जो हमने सॉक्स बोला था ना सेंटा क्लॉज का सॉक्स जैसा शेप है इसका, तो इसकी एडी आ रही है, एडी से एडन याद रखिएगा, गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पे पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ। तो अरेबियन सी दो गल्फ में एक्सटेंड होती है अंदर, एक है पर्शियन गल्फ, राइट, और ये है एडी के हिस्से पे गल्फ ऑफ एडन, ऑलराइट। सो देखो यूएई, कतर अरब, ये सब ना बहुत पैसे वाले हैं तो पर्स वर्स मोटा है इनका, बहुत पैसा रखते हैं, तो पर्स से पर्शियन गल्फ याद रखना, ये पर्शियन गल्फ हो गया और एडी से गल्फ ऑफ एडन हो गया, ये रेड सी हो गया। अब तीन सी इंपॉर्टेंट देख लो, एक तो ये आ गई कैस्पियन सी, है ना, जो कि एशिया और यूरोप की बाउंड्री डिफाइन करवाती है। एक ये ब्लैक सी हमने पढ़ी थी, ये भी एशिया यूरोप की बाउंड्री डिफाइन करने में हेल्प करती है। फिर ये जो आपको वाटर बॉडी दिख रही है ना अफ्रीका के ऊपर, और इधर ये साइप्रस पढ़ा था हमने, सीरिया लेबनन के वेस्ट में, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ये तीन सी इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, तीन सी यहां पड़ती हैं। एक हम यहाँ इस मैप में नहीं दिखेगा, डेड सी भी आती है जॉर्डन और इसराइल के बीच में, वो हम बाद में कहीं देख लेंगे, ठीक है। ये इस जगह पे पड़ती है जॉर्डन और इसराइल के बीच में, दिस इज डेड सी, राइट, बहुत डेप्थ है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वर्ल्ड का डेड सी, डीपेस्ट सी पॉइंट नहीं, डीपेस्ट सी है, ठीक है। सो दिस, दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट सीज देख ली हमने, ठीक है। सो
गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ, रेड सी, रेड सी के बाद इधर हमने स्विस से रिलेटेड और अकाबा वाला गल्फ देख लिया, मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और डेड सी आएगी जॉर्डन और इसराइल के बीच में। फाइन, अब हम आते हैं फिजिकल रीजन्स पे, जल्दी करते हैं लाइट जाने वाली है। चलिए, सो फिजिकल रीजन्स, फाइव मेजर फिजिकल डिविजन्स हैं, नॉर्दर्न लोलैंड्स, सेंट्रल माउंटेन्स, सदर्न प्लेन्स, ग्रेट रिवर वैलीज और आइलैंड ग्रुप्स। अब देखो, जितने भी फिजिकल फीचर्स या भौगोलिक संरचना जो है पूरे एशिया की, वो पांच टाइप में डिवाइड की जा सकती हैं। जो नॉर्दर्न वाला पार्ट था, जो रशिया वाला हमने पूरा पार्ट देखा था, उसको लो लैंड बोलते हैं, जिसमें प्लेन्स भी आते हैं और प्लैट्यूज, लो प्लैट्यूज भी आते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पठार नहीं है, लो प्लैट्यूज हैं। फिर सेंट्रल माउंटेन्स, ये जितना भी हमने स्थान स्थान वाला एरिया देखा था, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान एंड ऑल दैट वाला एरिया, वहाँ सेंट्रल माउंटेन्स आएंगी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ऑल दैट इलाके में माउंटेन एरिया आएगा। फिर आते हैं सदर्न प्लैट्यूज, ये जो मंगोलिया, चाइना वाला जो हिस्सा आएगा लोलैंड्स के थोड़ा साउथ में, वैसे साउथ हम बोलते हैं इंडिया वाले पार्ट को, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इंडिया तो इंक्लूडेड है ही, थोड़ा चाइना मंगोलिया भी लेते हुए सदर्न प्लैट्यू वाला हिस्सा आ जाएगा। फिर ग्रेट रिवर वैली, जिसमें इंडस, ब्रह्मपुत्र आ गई, ठीक है, येलो रिवर वाली एक वैली आ जाएगी, अभी हम पढ़ेंगे। फिर आइलैंड ग्रुप्स, जो पूरा जापान वाला पार्ट है और जो इंडोनेशियन आर्किपेलेगो है, ये सब हम पढ़ते हैं फटाफट फटाफट, ठीक है। तो ये पूरा फिजिकल फीचर्स का मैप होता है, ये आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा, टाइप कीजिएगा फिजिकल फीचर्स ऑफ एशिया, ये मैप आपको मिल जाएगा, आप इसको ढंग से स्टडी कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए नॉर्दर्न लोलैंड से शुरू करते हैं, एकदम नॉर्थ। ये देखो, ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है ऊपर, दिस इज नॉर्दर्न लोलैंड, जिसमें वेस्टर्न साइबेरियन प्लेन आ जाएंगे, थोड़े से साइबेरियन प्लैट्यू से ऊपर वाला ये हिस्सा आ जाएगा, ठीक है, दीज आर ऑल नॉर्दर्न लोलैंड्स। सो यूराल माउंटेन्स के ईस्ट में और अप टू एकदम क्या बोले हम उसको, बेरिंग स्ट्रेट जो था या बेरिंग सी था, उसके पहले तक जितना भी लैंडमास है ना, वो सारा नॉर्दर्न लोलैंड्स में कवर होता है, ठीक है। सो नॉर्थ एशिया में है, आर्कटिक ओशन को बॉर्डर करते हुए, ये आर्कटिक ओशन है ऊपर, राइट, इसके आसपास ये जितना भी आपको एरिया दिखेगा, दीज आर ऑल नॉर्दर्न प्लेन्स। इसमें वेस्टर्न साइबेरियन प्लेन भी आ जाते हैं, सेंट्रल साइबेरियन प्लैट्यू आ जाता है, ये बहुत हाई राइज प्लैट्यू नहीं है, लो राइज प्लैट्यू है, इसलिए इट इज इंक्लूडेड। सो नॉर्दर्न लोलैंड्स ऑफ एशिया एक्सटेंड फ्रॉम यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन से शुरू होते हैं, बेरिंग स्ट्रेट फार ईस्ट में है, उधर बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट में, वहां तक ये एक्सटेंड करते हैं और वर्ल्ड के सबसे बड़े कंटिन्यूस प्लेन्स बनाते हैं, ठीक है। समतल मैदान अगर पूरी दुनिया में इकसार या बहुत बड़े कंटिन्यूस हैं, तो वो नॉर्दर्न लोलैंड्स हैं। और तीन रिवर्स यहाँ पे मेजरली बहती हैं, ओब, येनिसे एंड लेना, ठीक है, इनकी पहले आप देख लो प्लेसिंग, देख लो, ये देखो, ये जितना भी आपको व्हाइट व्हाइट कलर का एरिया दिख रहा है ना, ये मेजरली बिल्कुल फ्लैट एरियाज हैं। सो ये आ रही है ओब और ये जाकर के आर्कटिक ओशन में मिल जाती है, जो राइज है ना, कॉन्टिनेंट ऊंचा है और टुवर्ड्स आर्कटिक ओशन ढलान है, ठीक है। देन ये ओब आ गई, ये आ रही है येनिसे और दिस इज लेना, कहाँ गई लेना देना, ऑल राइट, सो दिस इज लेना। ये तीन रिवर्स हैं मेनली जो इस एरिया में बहती हैं, ओब, येनिसे, लेना। हम ऊबे या ना ऊबे, हमें तो यहीं से लेना है ना, ये रिवर्स बोलती है, इतने बड़े इलाके में हम तीन ही रिवर्स हैं, ऊब जाती हैं यार बहते बहते, बाकी रिवर बोलती है ऊबो चाहे नहीं ऊबो, यहीं से लेना, यहीं से अपना पानी लेके जाना, ऊबो फिर भी यहीं से लेना, सो ओब, येनिसे, लेना, ठीक है। और इन तीनों नदियों ने टुगेदर मिलकर के पूरे प्लेन्स बनाए हैं, जो मिट्टी विट्टी ये सब लोग लेकर के आती हैं नदियाँ, ठीक है, उनकी वजह से पूरा समतल इलाका मैदान बने हैं, दीज थ्री आर रिस्पॉन्सिबल। ये मार्शी और स्वैम्पी लोलैंड्स हैं, थोड़ा दलदली इलाका है और इनको ग्रेट साइबेरियन प्लेन्स भी कहा जाता है। सो बेसिकली ये वाला पूरा हिस्सा और थोड़ा थोड़ा यहाँ से होता होता ये पूरा एरिया लोलैंड है, राइट। सो दिस इज अबाउट लोलैंड्स, ये हमने देख ही लिया, राइट, ये ऊपर वाला पूरा, ये यूराल माउंटेन्स है, यहाँ से वेस्टर्न साइबेरियन प्लेन मेजर इलाका ये है, उसके अलावा भी आपको ये दिख रहा होगा। नेक्स्ट मूविंग ओवर टू, अब क्या है, हाँ, नॉर्दर्न लोलैंड का एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं ट्यूरान लोलैंड्स, ठीक है, या ट्यूरन लोलैंड्स, ये कहाँ पड़ता है, ये देखो,
ये सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान या टर्कमेनिस्तान, ध्यान है आपको, हमने पढ़ा था। सो टर्कमेनिस्तान और थोड़ा सा ये उज़्बेकिस्तान वाला इलाका जो है, यहाँ पे ये ट्यूरान लोलैंड्स पड़ते हैं, मतलब ये भी मैदानी इलाका है, समतल मैदान है। तो एक हो गए नॉर्दर्न लोलैंड्स, एक हो गए ट्यूरान लोलैंड्स, ये दोनों मिला करके लोलैंड वाला इलाका है। यहाँ से दो नदियाँ बहती हैं, एक है सिर दरिया, ओके, ये आपको दिख रही होगी सिर दरिया, और एक है अमू दरिया। कौन सा? अमू दरिया, है ना, सिर और अमू दरिया। और ये दोनों जाकर के कहाँ मिलती हैं, कहाँ गिरती हैं? एरल सी के अंदर। एरल सी हमने देखी थी, सेंट्रल एशिया में ही बीच में पड़ती है। वी हैड, जब हमने कंट्रीज याद किए थे तो इसकी प्लेसिंग देखी थी, अदरवाइज ये देख लो, ठीक है। सो ये ट्यूरान तुर्कमेनिस्तान से, ट से तुर्कमेनिस्तान, ट से ट्यूरान, ध्यान रखना। ये सिर दरिया और ये अमू दरिया, दो नदियाँ यहाँ बहती हैं, और ये ट्यूरान लोलैंड्स पड़ते हैं सेंट्रल एशिया के अंदर। सो नॉर्दर्न लोलैंड्स एंड ट्यूरान लोलैंड्स। और ये जो नदियाँ हैं ये जाकर के महासागर वगैरह से नहीं मिलती हैं, ये इधर ही अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाती हैं। चलिए अब हम आते हैं सेंट्रल माउंटेन्स पे। तो देखो जो सेंट्रल एरिया है, वो जो स्थान स्थान वाला एरिया है, ये देख लो, ये चाइना आ गया, ये इधर नीचे ये इंडिया आ गया, दिस इज चाइना, दिस इज इंडिया। ये जो पूरा इलाका आपको दिख रहा है ये है सेंट्रल माउंटेन्स। कौन सा इलाका है ये? ये अफगानिस्तान, फिर उसके बाद ताजिकिस्तान, राइट, देन जो हमने पढ़ा था उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब यहीं पे आ जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देती हूँ, पामिर। पामिर माउंटेन रेंजेस को पामिर नॉट भी कहा जाता है, पामिर नॉट। ये एक मेन पॉइंट है सेंट्रल एशिया में, बहुत हाई माउंटेन्स हैं इस पूरे एरिया में, यहाँ से काफ़ी सारी माउंटेन रेंजेस निकलती हुई या आके मिलती हुई दिखती हैं, ठीक है, इसलिए इसको नॉट कहा जाता है, नॉट यानी गांठ, ओके। सो कौन कौन सी होती हैं एक बार देख लेंगे अभी। नॉर्दर्न लोलैंड्स के साउथ में ये सेंट्रल माउंटेन्स पड़ते हैं इस साइड, और ग्रेट बेल्ट ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, ये माउंटेन्स कैसे बनी है, वही टेक्टोनिक प्लेट टकराई हैं और उसकी वजह से जमीन ऊपर उठ गई है, फोल्ड हो गया है, फोल्ड माउंटेन्स बनी है। माउंटेन चेन्स अलग अलग दिशाओं में निकलती हुई दिखती हैं फ्रॉम द पामिर माउंटेन्स, इसलिए पामिर माउंटेन्स को कहा जाता है पामिर नॉट, ओके, उस पॉइंट को पामिर नॉट, जो कि सेंट्रल एशिया के साउथ वाला पार्ट है। ये पूरा सेंट्रल एशिया चल रहा है, सो ये थोड़ा साउथ में पामिर नॉट पड़ता है। अब इससे अगर आप देखोगे ना, तो देखो ये इधर हिंदू कुश माउंटेन्स, हिंदू कुश, ठीक है, उसके बाद आप इधर दिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे आ जाती हैं सुलेमान रेंजेस, पाकिस्तान वाले इलाके में, ठीक है, सुलेमान रेंजेस। देन यहाँ अगर आप देखोगे काराकोरम, ओके, फिर ये इधर कुनलुन, और इधर अगर आप ऊपर देखोगे तियानशान, ऑलराइट, एंड औलते भी हैं वैसे तो, पर वो यहाँ से निकलती भी नहीं दिखती हैं, वो माउंटेन रेंज आ जाता है दूसरा, ठीक है। ये सारी जो माउंटेन्स हैं ये इस एरिया से निकलती हुई दिखती है, तो देखो हर डायरेक्शन में निकलती हुई दिख रही है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड पामिर नॉट। मेनली वेस्ट में हिंदू कुश आ गई, साउथ वेस्ट में सुलेमान आ जाती हैं, टुवर्ड्स द ईस्ट कुनलुन और काराकोरम आ गई, नॉर्थ में तियानशान आ गई। ये सारी माउंटेन्स हैं जो कि, और ये पामिर माउंटेन्स तो आ ही गई, तो ये सारी माउंटेन्स सेंट्रल माउंटेन्स के अंदर कवर की जाती हैं। नीचे हिमालयस वगैरह आ जाते हैं फर्दर साउथ टू काराकोरम, ओके। सो ये भी हम मार्क कर ही देते हैं ना, इनको क्यों छोड़ा है, हिमालयस, ये सारी टुवर्ड्स द ईस्ट। सो देखो ये इतनी सारी माउंटेन्स ऐसा लगता है यहीं से निकल रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पामिर नॉट। सो ये हो गया हमारा सेंट्रल माउंटेन्स। नाम ध्यान रख लीजिएगा कौन कौन सी माउंटेन्स, मेजर, दीज आर द मेजर माउंटेन रेंजेस इन सेंट्रल एशिया, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स टू एशियन फिजिकल फीचर्स, है ना। चलो फिर आ जाते हैं माउंटेन रेंजेस के साथ ही जो हाई राइज प्लेट्यू है ना, वो भी इसमें आ जाएंगे, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंट्रल माउंटेन्स। लोलैंड के नीचे कुछ तो माउंटेन एरिया है और कुछ हाई प्लेट्यूज हैं, ऊंचे ऊंचे पठार हैं, इसलिए उनको माउंटेन एरिया में इंक्लूड किया गया है, वो है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, मेनली प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। ये जो आपको रेड रेड पोर्शन दिख रहा है, कुनलुन माउंटेन्स और हिमालयाज के बीच में ये जो मेन पूरा एरिया है, दिस इज तिब्बतन प्लेट्यू, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू एरिया है,
ओके, इसीलिए इसको सेंट्रल माउंटेन्स में इंक्लूड कर लिया जाता है. एनक्लोज बाय हिमालयाज एंड कुन्नून, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा भी और सबसे ऊंचा भी. ओके, माउंट एवरेस्ट जो है वो भी इस वाले एरिया में पड़ जाता है. ये रहा माउंटेन एवरेस्ट वाला एरिया, हाईएस्ट पीक हो गया हिमालयाज में. हिमालयाज है, सेंट्रल माउंटेन्स में ही आते हैं, उसमें हाईएस्ट पीक हमें पता है माउंट एवरेस्ट से 8848 meters. फिर जो गोबी डेजर्ट है, ये रहा गोबी डेजर्ट, ये पूरा भी इसी इलाके में फैला हुआ है, नॉर्दर्न लोलैंड के नीचे. सेंट्रल माउंटेन नॉर्दर्न लोलैंड के साथ में ही ये गोबी डेजर्ट भी चलता रहता है. कोल्ड डेजर्ट है बहुत बड़ा एशिया का, ठीक है. यहाँ ठंड पड़ती है, गर्मी नहीं पड़ती है, जमा हुआ बर्फ वगैरह भी गिरती है यहाँ पे. सो ये हमने सेंट्रल माउंटेन एरिया कर लिया, जिसमें हमने पामिर नॉर्ड के आसपास वाली पहाड़ियाँ देख ली, पूरा तिब्बत प्लेट्यू देख लिया, और आसपास गोबी डेजर्ट भी है, वो भी हमने साथ में देख लिया. सो इतनी मेहनत करने के बाद, जल्दी जल्दी पढ़ने के बाद भी लाइट फुर छूमंतर हो गई, 2 घंटे बाद आई है. ओके, एनीवेज मॉर्निंग रूटीन सारा हो गया, नाश्ता खाना एवरीथिंग सॉर्टेड, बट अब ऑफिस का टाइम हो रहा है तो अभी भी जल्दी करनी पड़ेगी, ठीक है. सो हमने कर लिया था पूरा नॉर्दर्न लोलैंड, ठीक है. उसके बाद में हमने सेंट्रल माउंटेन बेल्ट देख लिया था, जिसमें पामिर नॉर्ड के आसपास वाले सारे माउंटेन्स देख लिए, तिब्बतन प्लेटू देख लिया था, और क्योंकि उसके पास गोबी डेजर्ट आ रहा था तो उसी की बात वहां पे भी कर ली. अब सेंट्रल माउंटेन बेल्ट के साउथ में आता है सदर्न प्लेट्यू, ठीक है, पठार वाला इलाका आएगा. ये भी प्लेट्यू है, तिब्बत भी प्लेट्यू था, लेकिन तिब्बत क्योंकि बहुत हाई राइज प्लेट्यूज थे, इसलिए माउंटेन बेल्ट के साथ में उसको पढ़ते हैं. अब जो सदर्न प्लेट्यू है उसमें 3 मेजर प्लेट्यूज हम पढ़ेंगे. एक है अरेबियन पेनिनसुला, जो कि मिडिल ईस्ट वाला हिस्सा है, साउथ वेस्ट एशिया वाला, वो इसमें आ जाएगा. प्लेट्यू ऑफ शान एंड प्लेट्यू ऑफ यूनान इन चाइना. प्लेट्यू ऑफ शान आता है इंडो चाइना वाले हिस्से में, म्यांमार वाले पार्ट में, ठीक है, अभी हम देखेंगे. और प्लेट्यू ऑफ यूनान चाइना में आता है ईस्ट साइड में. फिर है प्लेट्यू ऑफ इंडियन पेनिनसुला, जो इंडिया वाला पार्ट है, पेनिनसुलर एरिया, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है. सो ये तीनों मिलकर के हो जाते हैं सदर्न प्लेट्यू. चलो अरेबियन पेनिनसुला से स्टार्ट करते हैं. ये जो आपको ब्राउन ब्राउन पार्ट दिख रहा है, ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला है. सऊदी अरेबिया वाला मेजर हिस्सा आ गया, येमेन ओमान आ गया, थोड़ा जॉर्डन कुवैत इराक वाला हिस्सा आ गया, ठीक है. सो सिचुएटेड कहाँ है ये? एक तरफ एशिया है, एक तरफ यूरोप है, और थर्ड साइड अफ्रीका है. इन तीनों के बीच में जो ये पेनिनसुलर पार्ट है, इसको बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला. और स्टीप राइज है, यानी कि आसपास जो समुद्र है, कोस्टल एरिया, उससे एकदम से उठा हुआ हिस्सा है ये, इसलिए इसको प्लेट्यू वाले पार्ट में लेते हैं. और ये मेजरली डेजर्ट एरिया है, ड्राई रीजन है, ठीक है. ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि अरेबियन पेनिनसुला कहाँ है. ये प्लेट्यू हिस्सा आता है इन द मिडल ईस्ट. फिर आ जाते हैं इंडिया पे. ओके, जो शान और यूनान है इसके बाद देख लेंगे. इंडियन पेनिनसुला हम पूरा डिटेल में इंडियन फिजिकल फीचर्स में पढ़ चुके हैं, राइट. जिन स्टूडेंट्स नहीं की हो क्लास तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, इंडिया जीके वाला. सो ये सेंट्रल हाइलैंड्स और ये डेक्कन प्लेट्यू, ये पूरा मिला करके हो जाता है इंडियन पेनिनसुला. और इसकी राइज ज़्यादा कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो ज़्यादा ऊँचे हैं, ईस्टर्न घाट कम ऊँचे हैं, तो स्लोप इसका वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाता है. और स्टीपली अलॉन्ग अरेबियन सी और जेंटल टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. यहाँ जो वेस्टर्न घाट से वो ऊंचे हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, और जो ईस्टर्न घाट से वो कम ऊंचे हैं, यानी ज़्यादा स्टीप जो प्लेट्यू है टूवर्ड्स अरेबियन सी है. फिर आ जाता है प्लेट्यू ऑफ शान एंड प्लेट्यू ऑफ यूनान. तो ये देख लो, ये इंडिया पड़ रहा है, राइट, दिस इज इंडिया. ये पूरा म्यांमार और ये वियतनाम वगैरह वाला ये पूरा पार्ट आ गया. ओके, मेनली म्यांमार है, वियतनाम कहाँ से आ गया? ये पूरा, दिस इज ऑल म्यांमार, लाओस वियतनाम तो यहाँ आ जाएगा. सो म्यांमार में ये शान प्लेट्यू पड़ता है, राइट. सो ये लोकेशन आप देख लीजिए. और ये चाइना का जो ईस्ट साइड है, इसको इंडो चाइना ही बोलते हैं. ये पार्ट भी इंडो चाइना आता है, ये पार्ट भी इंडो चाइना आता है. तो ये आ गया यूनान प्लेट्यू. यहाँ यूनान है और यहाँ पे दिस इज शान प्लेट्यू, ठीक है. दिस प्लेट्यू टू हैज स्टीप वेस्टर्न स्लोप. यहाँ भी जो राइज ज़्यादा है वो वेस्ट साइड में है, एंड टूवर्ड्स ईस्ट ढलान आ जाती है. और यहाँ पे जो रिवर्स हैं जो इसको ड्रेन करती हैं, वो हैं साल्विन, मेकोंग एंड सीख्यांग रिवर्स. ये जो शान प्लेट्यू है ना, इसमें बहुत सारी अंदर नदियाँ हैं, ठीक है, तो बीच बीच में इंटरप्टेड प्लेट्यू है ये, फाइन. सो जो मेन रिवर्स हैं साल्विन, मेकोंग एंड सीख्यांग. सीख्यांग इंपॉर्टेंट रिवर है चाइना की. ओके, चलो अब आ जाते हैं, ये प्लेट्यू हो गया, फाइन. नेक्स्ट फिजिकल फीचर क्या है? ग्रेट रिवर वैलीज, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके आसपास वैलीज, या फिर क्या बोलते हैं हम,
नदी जहाँ से बहती है ना, वो वाला जो पूरा एरिया होता है, तो रिवर वैलीज हैं और उनके आसपास बहुत सारी सिविलाइजेशंस बनी बसी, लोग वहीं आकर के रहना शुरू हुए बेसिकली. सो ग्रेट रिवर वैलीज आर नोन एज क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि क्रैडल होता है जो पालना होता है ना, झुलाते हैं बच्चे को, राइट. सो सिविलाइजेशन यहाँ पनपी है नदियों के आसपास ही, इसीलिए इनको क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है. बहुत सारी यू नो सिविलाइजेशंस बनी हैं इन वैलीज में. एंड फेमस रिवर्स जो हैं वो देख लेते हैं. यहाँ पे है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों से बनी थी. फिर इंडस और गंगा वाली पूरी, गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस वाला ये पूरा सिविलाइजेशन एरिया आ गया. और चाइना में येलो रिवर जो मेन रिवर है, ह्वांगहे जिसको बोलते हैं, सो ये येलो रिवर चाइना, ये चार इंपॉर्टेंट वैलीज रही, टिग्रिस यूफ्रेट्स की, एक इंडस की, एक गंगा वाली और एक येलो रिवर वाली. ये चार रिवर वैलीज के बारे में जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ओके. और ये सारी जितनी भी अधिकतर बड़ी बड़ी नदियां हैं वो स्नो कैप्ड माउंटेन से ही शुरू हुई थी. सो सबसे पहले टिग्रिस यूफ्रेट्स वैली है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रिवर वैली है. सो ये देखो, ये इराक वाला ये जो मेजर हिस्सा आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये टर्की है, ये इराक है, ओके. कैस्पियन सी आप लोकेट कर पा रहे हो. सो यहाँ पे इस पूरे एरिया में दिस इज द टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर, ओके. एंड ऑल्सो नोन एज मेसोपोटामियन लोलैंड्स, इनको मेसोपोटामियन लोलैंड्स भी बोलते हैं. सो सबसे पहली रिवर वैली कौन सी होगी, टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर वैली, जिसको मेसोपोटामियन लोलैंड भी कहा जाता है. दूसरी आ गई इंडस और गंगा ब्रह्मपुत्र वैली. डिटेल में हम पढ़ चुके हैं नदियों में, इंडस इंडिया एंड मेजर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है. और ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो और बांग्लादेश का हिस्सा कवर करती हैं. इंडस में 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज. और गंगा ब्रह्मपुत्र वैली जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के और नदियों और उनकी ट्रिब्यूटरीज से बनी है. फिर आ जाते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना, जो कि चाइना में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उन्होंने जो रिवर्स वैलीज बनाई हैं वो हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना. बेसिकली ह्वांगहे रिवर जो मैंने आपको बताया, येलो रिवर, ओके. सो ये है चाइनीज सिविलाइजेशन यहाँ पनपी है, जिसमें ये मेन रिवर्स आपको दिख जाएंगी. एक तो ये आ गई और दूसरी यांगजे रिवर, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है ना, यांगजे वो आ जाएगी. ये मेकोंग जो हमने अभी इससे पहले पढ़ी थी, प्लेट्यू को ड्रेन जो करती है ना, दिस इज मेकोंग, यूनान प्लेट्यू को ड्रेन करती है, ये वाला हिस्सा प्लेट्यू वाला हिस्सा आ जाता है. सो ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना इज फॉर्म्ड बाय 3 लार्ज रिवर्स, नेमली ह्वांगहे जिसको येलो रिवर कहते हैं, यांगजे और सीक्यांग. अदर इंपॉर्टेंट वैलीज भी हैं, मेकोंग वैली है, ये वाला जो हिस्सा आ जाता है ये मेकोंग वैली आ गई और इंडो चाइना में, और एक आमूर वैली है जो ऊपर रशिया के पास में बनती है, आमूर वैली, ठीक है. सो ये सारी हो गई रिवर वैली, सिर्फ नाम थोड़ा नोटिस में रखते चलिए, कभी बाई चांस कोई सवाल बन जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से पार्ट ऑफ एशिया में ये सारी कहानी चल रही है, ठीक है. ग्रेट चाइनीज चाइना प्लेन्स किस तरफ पड़ रहे हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र आपको पता ही है. अगर टिग्रिस यूफ्रेट्स पूछ लिया जाए तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, सेंट्रल पार्ट में जाते हैं, राइट, इसलिए बताया जा रहा है. लास्टली आ जाते हैं आइलैंड ग्रुप्स के ऊपर. एशिया में आइलैंड ग्रुप्स भी हैं बहुत सारे, कहाँ कहाँ पड़ते हैं. एक तो ईस्ट में पड़ेगा, कोरिया जापान वाला साइड, और एक साउथ ईस्ट में पड़ेगा, वो पूरा कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड ऑल, राइट. बहुत सारे आइलैंड्स हैं. लार्जेस्ट आर्किपेलेगो इन द वर्ल्ड है इंडोनेशिया, ठीक है, पहले भी मैंने बता दिया आई गेस. इंडोनेशिया और उसके जो पूरे आइलैंड्स हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा आर्किपेलेगो यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है. और इसमें आइलैंड ऑफ बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, सुलावेसी, बाली, तिमोर, ये सारे आइलैंड्स इसी में पड़ते हैं. ईस्ट तिमोर अलग था, दैट वॉज अ डिफरेंट कंट्री, तिमोर इसी में पड़ेगा. सो ये सारे साउथ ईस्ट एशिया वाले आइलैंड्स दिखा दिए, और जापान वाला आपको पता ही होगा, राइट. एंड और आइलैंड्स कौन से इंडिया के आसपास, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार. सो अरेबियन सी में आ जाता है लक्षद्वीप आइलैंड्स, और अंडमान निकोबार में आ जाता है, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में आ जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स. एंड विद दिस वी आर डन विद एशियन फिजिकल फीचर्स. पॉलिटिकल हमने थोड़े बहुत डिस्कस कर लिए, फिजिकल डिस्कस कर लिए, माउंटेन, सीज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अब इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे इंडिया, एशिया से रिलेटेड,
प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए और अदरवाइज भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो एक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ जाएंगे। वो इतना बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, थोड़ा छोटा ही रहेगा, बट वील कवर। और इसके साथ पूरा एशिया कंप्लीट हो चुका होगा। आई होप मजा आया पढ़ करके, मुझे मजा आया, थोड़ा भागा दौड़ी हो गई लाइट के चक्कर में, बट एनीवेज व्हाटएवर इज इज। सो दैट्स इट, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा।